बहार के रंग बिरंगे खूबसूरत महकते फूलों के मौसम में तमाम मेरे गार्डन फ्रेंड्स को वैगी सोमच गार्डन में बहुत बहुत खुश आमदेद। मेरे गार्डन फ्रेंड्स, इस वक्त आप मेरे रूफटॉप गार्डन में रंग बिरंगे फूल देख रहे हैं, ये तमाम के विंटर फ्लावर्स हैं जो कि सीड्स के जरिए और बल्ब के जरिए, विंटर बल्ब्स के जरिए मैंने ग्रो किए हैं। एक तो पहले थोड़ा सा छोटा सा ओवरव्यू अपने गार्डन फ्रेंड्स के लिए, और उसके बाद हम ज़रा बात करेंगे। मेरे गार्डन फ्रेंड्स, ये सामने आपको वर्बीना वाइट कलर में और मेरे पास इस वक्त ये इधर रेड कलर में आपको नजर आ रहे होंगे। तो अपने गार्डन फ्रेंड्स को वर्बीना के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन टिप्स देना पसंद करूंगा। फूलों की वीडियो आगे शुरू करने से पहले जी, मेरे फ्रेंड्स ने और स्पेशली गार्डन फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो से आप इन टच रहे और हर तरह की टिप्स और इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो आइए अब आगे शुरू करते हैं वर्बीना के हवाले से। मेरे गार्डन फ्रेंड्स, इस वक्त जो वर्बीना पे आप फ्लावर्स देख रहे हैं, मेरे पास ये दोनों ही सिंपल कलर हैं, एक वाइट है और ये दूसरा ये रेड वर्बीना है। इसमें बेतहाशा मल्टीपल कलर्स होते हैं। और मेरे गार्डन फ्रेंड्स, इन खूबसूरत प्यारे से वर्बीना के फ्लावर्स को फाइव पेटल्स फ्लावर्स भी कहते हैं, क्योंकि इनके जो फ्लावर्स के हैं, जो पेटल्स होती हैं, वो पांच करीब होती हैं। मेरे गार्डन फ्रेंड्स, बहुत इजी टू ग्रो है ये। मेरे सारे के सारे जितने आप ये सारे के सारे इस वक्त ये प्लांट देख रहे हैं, सारे के सारे मैंने सीड्स के जरिए ग्रो करवाए हैं, सवाए विंटर बल्ब्स के। जैसे आप ये देख रहे हैं, विंटर फ्रिजिया है, ये विंटनमस है, सवाए इनके बाकी तमाम के तमाम जो मेरे प्लांट्स हैं, ये चीज़ के जरिए मैंने ग्रो की हैं। वर्बीना भी उसमें शामिल थी, और ये छह पॉट्स में इस वक्त मेरे पास ये वर्बीना लगे हुए हैं। कुछ अभी और थोड़े से छोटे पौधे हैं, लेकिन इन पर ज़रा फूल आना शुरू हो गए हुए हैं, और बहुत ईजी टू ग्रो है। 7 डेज में आपके सीड जर्मिनेट हो जाते हैं, 15 दिन में आपकी सीडलिंग भी तैयार हो जाती है, और उसके बाद मैंने 20 दिन के बाद ट्रांसप्लांट किए। और ये जो पॉट का साइज़ आप देख रहे हैं, नॉर्मली ये 7 इंच का पॉट है। जितने भी इस वक्त मेरे सारे के सारे जो विंटर फ्लावर्स आप देख रहे हैं, सारे के सारे ये वर्टिकल शेप में, सारे के सारे 7 इंच के मैंने पॉट्स में लगाए हुए हैं। और वर्बीना पे ये देखें, साइड से ये जो फ्लावरिंग बर्ड्स है ये निकलती रहती हैं, और जब ऊपर से ये ख़त्म हो जाएंगे, इसको आप कटिंग कर दें, साथ साथ इसकी पिंचिंग करते जाएं, उतना ये बुशी प्लांट होता जाएगा। आप चाहे इसको जैसे इस किसी पॉट में, 7 इंच के पॉट में लगा लें आप, मेरी तरह आप इसको बड़े से कंटेनर में भी लगा सकते हैं, आप इसे हैंगिंग बास्केट्स में भी लगा सकते हैं, आप मुख्तलिफ प्लास्टिक की बोतल्स में भी लगा सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो मेरे गार्डन फ्रेंड्स, बहुत हार्डी प्लांट है, अगर इसे थोड़ी सी केयर की जाए, वैसे तो एनुअल प्लांट है, उसके बाद ये अगर थोड़ी सी अगर केयर की जाए गर्मियों में जो और बरसात में है, मूसों के मौसम में, तो ये अगले सीजन तक भी आप सर्वाइव इसे कर सकते हैं, यानी बाई एनुअल प्लांट भी है एक तरह का। और जहाँ तक इसके है पानी का देने का ताल्लुक है, बहुत ज़्यादा इसे पानी नहीं देना पड़ता। ओवर ड्रेन अगर बहुत ज़्यादा टू मच पानी दे दिया तो ये पौधे पे फंगस हो जाएगी, ये पौधे की ग्रोथ नहीं होगी। तो वेल ड्रेनेज आपका पॉट होना चाहिए, और जब इसकी सॉइल है ड्राई आउट हो तब आप इसे पानी दें, वरना इसको एज ए पानी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पानी फॉर एग्जांपल एक दिन देना भूल भी गए हैं, तो ये पौधे हैं सर्वाइव करते रहते हैं, मुरझाते नहीं हैं। जैसे सिनेरिया के पौधे हैं, उसे तो देना पड़ता है आपको रोज़ाना पानी। तो मेरे गार्डन फ्रेंड्स,
और कोई खाद भी कोई इतनी खास इसी जरूरत नहीं है। शुरू में मैंने मिट्टी में सादा मिट्टी में थोड़ी सी रेत मिक्स करके गोबर की खाद डाल दी थी और इजी टू है, सर्वाइव कर रहे हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ जा रही है। और ये देखें आप एक एक यहाँ फुट के ऊपर तकरीबन आके यहाँ ये फ्लावरिंग ये कुछों में फ्लावर्स निकले हुए हैं। और जहाँ मैं लिक्विड फर्टिलाइजर तमाम पौधों को देता हूँ तकरीबन कोई 20 दिन के बाद या 25 दिन के बाद, तो इन्हीं फ्लावर्स को भी लिक्विड फर्टिलाइजर दी जाती है जिसमें DAP भी शामिल है, NPK भी शामिल है। और मैंने कहा फ्रेंड्स इसकी जो प्रोपोगेशन के अगर हवाले से बात करें तो ये सीड्स के जरिए भी ग्रो हो जाता है और कटिंग्स भी लगाई जाती है। मैंने तो खास सीड्स के जरिए लगाए थे, कटिंग अभी मैंने नहीं लगाई, लेकिन जो कटिंग के लिए आपको हेल्थी प्लांट होना चाहिए और वो भी जो कटिंग है आप कोशिश करें कि जब ये फ्लावर्स आने से पहले इसकी कटिंग लगाएं। अगर आप आपके पास कोई पैरा को हेल्थी प्लांट है तो आप इसकी कटिंग लगा, कटिंग्स के जरिए भी ग्रो कर सकते हैं, कटिंग के जरिए भी ये फैलेगा। और अगर आप अभी कटिंग लगाना चाहेंगे, जैसे अभी फ्लावर्स आने का सीज़न है, कटिंग लग तो जाएगी, रूट्स डेवलपमेंट हो जाएंगी, लेकिन पौधा ग्रोथ हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि फ्लावर्स उसमें ना आए उसकी जब जाते वो पौधा यानी हेल्थी ग्रोथ करेगा। और मैंने कहा डिफ्रेंस अपने वर्बीना के जो प्लांट को मैं जो तकरीबन गुडाई है लाजमी करता हूँ, जब मिट्टी इसकी थोड़ा मॉइस्ट होनी चाहिए, सख्त मिट्टी नहीं होनी चाहिए, वो तो तकरीबन हर पौधे की जाती है। और साथ साथ जो कटिंग्स हैं नीचे से जो कटिंग्स हैं, जब बड़े बड़े पीली लीव्स हो जाती हैं, सारे के सारे मैं कट ऑफ करता हूँ। और जैसे मैं बताया कि ये डेड हेड है, ये भी अगर ख़त्म हो जाएगा तो उसको भी साथ साथ कट करते जाए, जो पिंचिंग है ज़रूरी है इसकी। और जितना बुशी रहेगा प्लांट है, और सारे के सारे सनलाइट में है, सनलाइट होने का बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा आप सनलाइट देंगे वर्बीना के प्लांट्स को, उतने से उतने ये बुशी होता जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग में आपकी बर्ड्स निकलती जाएंगी। और आजकल के तकरीबन जैसे ऊपर मेरे में 4 घंटे की जो सनलाइट है बहुत ज़रूरी है, और उस वक्त मेरे इसमें तमाम प्लांट्स पे तकरीबन को 5 से 6 घंटे की लाइट आती है और तमाम ही प्लांट्स पे बहुत ही अच्छे ये फ्लावरिंग्स इस वक्त आप देख रहे हैं, फ्लावर्स खिले हुए हैं। तो मेरे गार्डनिंग फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि मेरे गार्डनिंग फ्रेंड्स को ये वीडियो पसंद आएगी। काली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय आसिम नवाज़ फ्रॉम Veggies, Asim Rooftop।